हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ मेरे दोस्त जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। सो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ये नया वीडियो। ये है फिलिप्स का प्रिंस शॉर्ट मीडियम वाला रेडियो, दो बैंड का रेडियो है ये। जो रेडियो है इसकी डिमांड आई थी एक पार्टी की, तो उन्होंने कहा था कि भैया इसको ओपन करके दिखाएं रेडियो को। तो मैंने अभी इसको ओपन भी किया हुआ है। इसके बारे में कुछ थोड़ा बता दूं, ये 1992 का मॉडल है। फिलिप्स का जो है ना प्रिंस रेडियो DL225 मीडियम और शॉर्ट वेव वाला, और ये 5 ट्रांजिस्टर पे रन करता है। और किसी किसी रेडियो में 3 ट्रांजिस्टर होते हैं, किसी किसी में 5 होते हैं। जैसे उन्होंने उसी टाइम पे DL224 ने भी निकाला था, उसमें 3 ट्रांजिस्टर थे, और 3 ट्रांजिस्टर ही इसके बाद जो लॉन्च हुआ था DL225 प्रिंस वाला, वो भी सेम बॉडी सेम स्ट्रक्चर और सेम ही वैल्यू का, उसमें 3 ट्रांजिस्टर थे। और इसका आई एफ सेक्शन भी बहुत बढ़िया है, और इसके जो है ना ट्रांजिस्टर में 5 लगे हुए हैं, और आउटपुट पे जो है 1895 का IC दे रखा है। इसको ट्यूनिंग बाद में आप दोस्तों को दिखाऊंगा, आगे पीछे का लुक देख लीजिए पहले आप इसका। मैंने अभी इसको ओपन कर रखा, स्क्रू निकाल रखे हैं इसके, ये सामने से है, और इसको भी मैं बैक साइड से भी दिखाता हूँ दोस्तों को। ये बैक साइड है इसकी, मीडियम और शॉर्ट वेव, और 3 बड़े सेल इसमें डलते हैं। यहाँ पर आप अडाप्टर लगा सकते हो 4.5 वोल्ट का। और इसको भी ओपन करता हूँ। एक दोस्त ने मैसेज किया था कि भैया इस रेडियो को जो है 1895 IC जिसमें होता है और 5 ट्रांजिस्टर होते हैं, उसको कृपया ओपन करके दिखाएं। तो मैंने इसलिए इसको ओपन किया हुआ आप दोस्तों की डिमांड पे, क्योंकि दोस्तों की डिमांड भी पूरी करनी ज़रूरी होती है भाई। बॉडी थोड़ा सा उसका देखने में तो गंदा सा लगता है, लेकिन रेडियो बढ़िया अच्छा वर्क करता है, क्योंकि मुझे सफाई करने का टाइम कम मिलता है तो मैं नहीं कर पाता। आप इसको मैं ओपन कर देता हूँ अभी, मैंने इसको ओपन किया हुआ है पहले से ही। देखिए दोस्तों, ये है 5 ट्रांजिस्टर का रेडियो, बिल्कुल ओरिजिनल रेडियो है एकदम अंदर से। स्पीकर भी साथ वाला लगा हुआ है, रोड भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। ये इसकी एंटीना कोयल ये वाली, और ये गैंग इसमें डली हुई है ओरिजिनल, जो ऊपर से कवर रहती है। इन रेडियो में देखिए, मैंने एक क्वालिटी जो DL224 और 225 में आते थे पुराने मॉडल, 1991 और 92 93 में जो लॉन्च हुए, उस टाइम पे जो है गेंग को वो थोड़ा कवर करके रखते थे ताकि डस्ट ना लगे गेंग को, ख़राब ना हो और लॉन्ग टाइम तक के लिए वो चलती रहे। बढ़िया चल रही है अभी और बढ़िया वर्क कर रही है। यहाँ पर देखिए, ये इसका ऑक्सीडेटर कोयल है, और जो गुलू लगा हुआ है देखो उसके ऊपर गुलू सा लगा हुआ है, ये वाला कंपनी का ही लगा हुआ है। यहाँ पर भी डाल रखा है उन्होंने, ये चैनल को आगे पीछे मैनेजमेंट करने के लिए ट्रिमर भी दिया हुआ साथ में। और यहाँ पर जो है ये IF है ये वाली, ये शॉर्ट वेव के लिए है, बाकी तीनों मीडियम वेव के लिए IF होती हैं इसकी, बढ़िया वाली, बहुत बढ़िया और काफ़ी अच्छा क्वालिटी में है रेडियो, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है अंदर से भी। ये इसका बना डाला हुआ है, यहाँ पर देखिए ये 470 का कैपेसिटर, ये भी 470 वो भी, और ये 220 वाले लगे हैं दो पीस। और नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें 5 ट्रांजिस्टर हैं पूरे लगे हुए। एक एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर ये 3 हो गए, और यहाँ पर ये 4 और एक 5, 5 ट्रांजिस्टर पूरे लगे हुए। एक यहाँ पर लगा हुआ है, 5 ट्रांजिस्टर पूरे लगे हुए हैं इसके अंदर। हाँ ये लगा है, देखो यहाँ पर थोड़ा मुझे देखने में दिक्कत हो, यहाँ पर ये लगा है इस जगह पे, तो 5 ट्रांजिस्टर पूरे लगे हुए हैं इसके अंदर। बढ़िया वर्किंग है रेडियो के एकदम परफेक्ट। और ये बेल का IC लगा हुआ है 1895 का, 4C लिखा हुआ उस पर, 1895 4C बेल वाला। और ये ओरिजिनल स्पीकर लगा हुआ साथ का, और ये शॉर्ट वेव के लिए जो अर्थिंग की होती है चारों तरफ वायर लगी हुई है, ये वाले दोनों कनेक्शन दिए हुए हैं। और ये वाला ट्रिमर है वो फाइन टोन के लिए है, फाइन ट्यूनिंग जब आप करते हो एरिया के अकॉर्डिंग अपने, तो ये वाला ट्रिमर है, ये शॉर्ट वेव वाला ट्रिमर लगा हुआ है। और परफेक्ट वर्किंग है इस रेडियो की, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। इस रेडियो का जो है वॉल्यूम ख़राब हो गया था, आवाज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी इसमें ओरिजिनल ही डाला है। ये देखो मैंने इसमें वॉल्यूम चेंज किया, ओरिजिनल डाला बिल्कुल,
देखो कंपनी की डाला है, इसका वॉल्यूम जो था कंट्रोल नहीं कर रहा था आवाज़ को, आवाज़ जब बढ़ाते थे तो एकदम से सर्र दे के आवाज़ आती थी और कंट्रोल नहीं था, तो मैंने इसका जो है वॉल्यूम चेंज किया है और ओरिजिनल वॉल्यूम ही डाला है और ओरिजिनल फिलिप्स का ही डाला है, ब्लैक डंडी वाला। बढ़िया मिलता भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से इंतजाम किया इसका वॉल्यूम का, मिलता नहीं है, मंगवाया है स्पेशल काफ़ी दूर से। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, दिखाते हैं आप लोगों को उसका ट्यूनिंग करके कैसा ये बजता है रेडियो। नीचे से भी देख लो, बिल्कुल कहीं से भी अदर सोल्डरिंग नहीं हुआ है, कंपनी ने जैसे बना के दिया वैसे ही है बिल्कुल। बस मैंने इसमें क्या किया कि मैंने इसको जो रोड है, रोड बिल्कुल मजबूत कर दिया यहाँ से, इस पर गुलू लगाया हुआ है ये वाला, और यहाँ पर ये, ताकि रोड हिले ना उठा पटक में, क्योंकि हाँ कोई ख़रीदेगा तो जाएगा तो कम से कम हिलेगा तो नहीं, क्योंकि फिर एक बार अगर रोड हिल गई अपनी जगह से तो फिर चैनल का मैनेजमेंट पूरा बिगड़ जाता है। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, आपको चलाते हैं इस रेडियो को, देखते हैं कैसा वर्क करता है। वैसे तो बहुत बढ़िया वर्किंग है इस रेडियो की, मैंने सुना भी है, इसको चलाया भी है, लेकिन रखा रहा काफ़ी दिन से मेरे पास ये, ऐसे ही रखा रहा, कम से कम इसको रखे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। सोचा कि चलो, इसके साथ के दो पीस और थे मेरे पास जो मैंने बेच दिए, एक उत्तराखंड गया था और एक पीस मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कहाँ दिया है, बेचा है मैंने इसके साथ का दो रेडियो, बहुत बढ़िया था वो भी, एक बिहार गया मुझे याद आ गया, एक बिहार गया था और एक उत्तराखंड गया था, बढ़िया वर्किंग है। चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, इसको ऑन करता हूँ, मैंने ऑन कर लिया। ನೂರ 120 ಸೈನಿಕರು ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. मध्य प्रदेश के भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है सेहत की एक नई सौगात। अब इन सभी परिवारों को भी आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल आपको दिख रहा है। अच्छी की बात हम देखें तो खर्चा उनका बढ़ते जा रहा है, तो ऐसी में जंगलिया सीट दो ग्राम प्रति लीटर का घोल तैयार करके ये सभी सेट्स को 15 से 20 मिनट तक डुबो कर रखना है, फिर उसके बाद उसको रोटित करना है। ऐसा नहीं सर, मुझे हमारे बेसी दाम है जो हमारा जीवन बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग है इस रेडियो का दोस्तों, कहीं कोई कमी नहीं है, बढ़िया बज रहा है। अभी फिर ट्यून नीचे ले जाता हूँ इसके। यहाँ पे बनारस चला हुआ है। ये बात काबिल जिक्र है कि पहले दो यहाँ पर ये श्रीनगर चला हुआ, रेडियो जम्मू चला हुआ दर्ज की गई और उम्मीद है कि ये आपका लगा रायपुर। के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है aarnsdogs@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9290904044। अहमदाबाद लगा हुआ है आप सुनेंगे।
ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಲಖನೌ ಕೇಂದ್ರ ಕಾ ಪ್ರಸಾರ ಥೋಡಿ ದೇರ್ ಮೇ ಆಪ್ಸೆ ಹಮಾರಾ ಅಗಲಾ ಸಿಗತ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾ ಯೇ ಲಖನೌ ಕೇಂದ್ರ ಹೈ. सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं. सो किसी भी दोस्त को ये बाय करना है तो मैसेज करें. तो मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ. तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम.